दिस कॉन्टेंट कंटेन्स रेलिवेंट चाइल्ड हुड मेमोरीज सो डोंट थिंक नेगेटिव ओम श्री गणेशाय नम दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे स्टोरी नेम इज मिस्टर एंड मिसेज साइको एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर एटी थ्री टू एटी फोर एंड गाइज डोंट फरगेट टू शेयर योर रिव्यूज इंड पुट ऑन योर ईयरफोन्स बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर बेटर एक्सपीरियंस तो चलिए शुरू करते हैं दुआ के सवाल से गुरु दुआ की गहरी नीली आंखों में देखकर बड़े प्यार से ऐसा क्यों लगता है मैं छोड़कर चला जाऊंगा मेरी चेरी को दुआ गुरु की आंखों में देखते हुए गहरी सांस लेकर आपको पता है जब मैं सिक्स साल की थी तब मुझे माँ छोड़कर चली गई फिर पापा छोड़कर चले गए फिर वापस से मेरी माँ मेरे पास आ गई मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे लोग छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे ना कभी कभी लगता है ये खुशी सच में मेरी है या बस कुछ वक्त की है डर भी लगता है कहीं यह खुशी एक सपने की तरह टूट न जाए कहते कहते दुआ गुरु के सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं तो वही गुरु दुआ के बालों को सहलाने लगता है इस समय उसका चेहरा हद से ज्यादा ठंडा हो चुका था वह सिर्फ चांद को देख रहा था तो कभी उस समुन्दर को गुरु दुआ के बालों को सहलाने हुए अपनी शांत आवाज में यह वक्त कभी नहीं आएगा चेरी जब मैं तुम्हें छोड़ दूं चाहे तुम मुझसे खुद को आज़ाद करने की कितनी भी कोशिश कर लो पर रहोगी तो गुरु की ही कैद में कहते कहते गुरु दुआ के चेहरे को पकड़कर उसकी नीली आँखों में देखने लगता है वही दुआ भी गुरु की एम्बर आई में देखने लगती हूँ ना जाने क्यों आँखों को देखकर उसे अलग सा एहसास होने लगता है जो उसे खुद भी नहीं पता है बस उसकी धड़कन बढ़े जा रही थी वही गुरु दुआ के चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक करते करते उसके मुलायम होता हूँ पर अपने ठंडे होठ रख देता है जिससे दुआ भी आंखें कसके बंद कर लेती है वह महसूस कर पा रही थी गुरु उसके मुंह के अंदर अपनी टंग को स्लाइड कर रहा है साथ ही साथ वह उसके पूरे मुंह को एग्जामिनेशन के साथ ही साथ लिकिंग भी कर रहा है जिससे दुआ अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है वही गुरु हाइट में बड़ा होने की वजह से दुआ को अपना सर ऊपर करते करते दर्द होने लगता है तभी गुरु उसे अपनी ओर खींच लेता है जिससे दुआ गुरु के कमर पर अपने दोनों पैर को लपेट लेती है तो गुरु वैसे ही उसे किस करते करते हैं वहाँ से ले ही जा रहा था कि तभी वह महसूस करता है कि दुआ और उसके किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो वह दुआ के मुंह के अंदर से अपनी टंग निकाल कर दुआ के चेहरे को देखता है जो किस करते करते सो गया है उसे देखकर वह गहरी सांस लेता है और खुद से ही बिल्कुल बच्ची है किस करते टाइम कौन सोता है हम कहते कहते गुरु दुआ को अच्छे से अपनी गोदी में बैठा कर उसे विल के अंदर ले जाता है विल के अंदर आते ही वह उसे अच्छे से बेड पर सुला देता है उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वह सीधा बालकनी की तरफ बढ़ जाता है बालकनी में आकर गुरु किसी गहरी सोच में चला जाता है तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ जाता है सामने वाले के बाद जैसे जैसे गुरु सुन रहा था वैसे वैसे उसके हाथों की मुठिया बन जाती है वह एक गहरी सांस लेकर खुद से ही पता नहीं लोगों में ऐसा कौन सा नशा चढ़ा है जो आग में खुद को डालने को पागल से होने लगे है कहते कहते बड़ी अजीब मुस्कुराहट लिए गुरु कॉल कट कर देता है अपनी आंखें बंद करके वहीं सोफे पर बैठ जाता है अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल लेता है उसे देखकर खुद से ही तुम्हे यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि नशा तो मुझे मिल चुका है तुम्हें पीने के बाद उसे खराब तो बिल्कुल नहीं करेगा गुरु कहते कहते हो सिगरेट के बॉक्स को बालकनी से बाहर फेंक देता है और खुद अपनी गहरी आंखों से बीच की तरफ देखने लगता है वहीं दूसरी तरफ से स्विट्ज़रलैंड अंडरग्राउंड प्लेस यहाँ पर इलीगल रिलेटेड वर्क होता है जैसे ही इलीगल बॉक्सिंग ये ड्रग्स केस एक बहुत सारे काम यहाँ पर होते रहते हैं जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है सिवाय इल्लीगल रिलेटेड पर्सन को छोड़कर वही सभी अपने अपने वर्ग में लगे हुए थे जहाँ तरफ लड़कियां लोगों को ड्रग्स दे रही थी तो दूसरी तरफ बॉक्सिंग मैच में बॉक्सिंग स्टार्ट हो रही थी जहां पर हर कोई सिर्फ जीतने के लिए एक दूसरे को मारे जा रहा था तभी वह शख्स वहां पर आ जाता है उसके आने के बाद ना जाने सब बको क्या होता है सभी अपनी अपनी जगह पर ही खड़े हो जाते हैं उसका और ही इतना खतरनाक था कि कोई कैसे इसे इग्नोर कर सकता है सभी अपना सर झुका लेते हैं जब वह सभी उस शख्स के गर्दन पर किंग कोबरा के टाटू को देखते हैं वही वह शख्स वहाँ खड़े जितने भी लोग थे उन सभी को देखकर अच्छी तरह से मुस्कुराने लगता है वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके बड़े आराम के साथ लोगों की आंखों में खुद के लिए डर देखना एक कमाल की बात है पर उससे ज्यादा मेरे डॉल फेस की नीली आंखों में खुद के लिए डर देखना यह अलग बात है कहते कहते हो शख्स बॉक्सी ग्रिंट की तरफ चला जाता है जहाँ पर एक शख्स जो दूसरे इंसान को पहरे में से मारे जा रहा है उसके चेहरे पर नरमी बिल्कुल भी नहीं थी वह इस समय जानवर दिख रहा था जानवर जिस से खून पीने की लत लग चुकी थी शायद ऐसा ही उस शख्स के साथ था जो शख्स का खून बहते हुए देखकर भी वह शख्स उसे बहरे में से मारे जा रहा है वही ग्रीन आइज वाला शख्स उस शख्स को देखकर अपने चेहरे पर बड़ी अजीब मुस्कुराहट हुए मुझे जिसकी तलाश थी वह मुझे मिल ही गया क्यों ना हम दोनों बॉक्सिंग कर ले वही वह शख्स जो उस इंसान को मारे जा रहा था वह जैसे ही उसकी बात सुनता है वह जोर जोर हंसते हुए उसकी तरफ देख कर यू फकिंग मैड यहाँ पर बच्चों की कोई जगह नहीं है और तुम्हारे जैसे हड्डियों को जहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है जहाँ से आए हो वहाँ पर ही चले जाओ उस इंसान के बात सुनकर वह शख्स और जोर से हंसते हुए रियली अम ओके के तुम्हें ये लगता है तो क्यों न एक मैच हो जाए वैसे भी आज मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं है अगर तुम जीत गए तो तुम्हें मेरी तरफ से एक गिफ़्ट मिलेगा गिफ्ट का नाम सुनसी का वह इंसान उस शख़्स की तरफ देख कर गिफ्ट वह भी तुम दोगे मुझे ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम मुझे दे सकते हो ये सुनते ही वह शख्स जेफ की तरफ देखता है तो जेफ उसके हाथों में कुछ पेपर्स थमा देता है उस पर पर कोको को। उस इंसान के मुंह की तरफ मारते हुए दस बट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे हरा दोगे वही वह इंसान जैसे ही पेपर्स पढ़ता है वह हैरानी से उस शख़्स की तरफ़ देखकर दिखने में तो इतने अमीर हो नहीं फिर भी इतना महंगा विला मुझे दे रहे हो वो सीरियसली ब्रो वह शख़्स बॉक्सिंग ग्रिंड के अंदर आकर उस अधूरे शख्स की तरफ़ देखता है वह अपने एक पैर से उस अधूरे शख़्स के पेट पर लात मारकर उसे बॉक्सिंग ग्रिंड के बाहर फेंकते हुए इस कचरे को यहाँ पर रहने की औकात नहीं है कहते कहते वह शख्स उस इंसान के हाथों से पेपर लेकर कुछ भी कर लेना बस मुझे गुस्सा मत दिलाना कहते हुए वह शख्स उन पेपर्स को जेफ़ की तरफ़ फेंक देता है जिससे जेफ अपने हाथों में लेकर अपना सर नीचे कर लेता है जैसे उसे पता था कि आगे क्या होने वाला कभी उस इंसान का दोस्त उसके सामने आकर मैक्स मेरी बात सुनो इस इंसान के साथ मैच मत करो मैक्स अपने दोस्त की बात सुन करना समझे मैं आयु क्रेज़ी जैक मैं क्यों नहीं इसके साथ मैच करूं यह अपने अच्छा ऑफ़र जो मुझे दे रहा है जैक मैक्स को समझाते हुए मुझे इसके अंदर से पॉज़िटिव वाइब बिल्कुल नहीं आ रही है क्या पता ये ख़तरनाक निकले हमने जितना कमाया है उतना बस है हम दोनों के लिए चलो यहाँ से मैक्स जैक के कंधे पर हाथ रखकर डोंट वरी ब्रो कुछ नहीं होने वाला है तुम देख रहे हो कुछ भी नहीं कर सकता और वैसे भी उस ज्यादा से ज्यादा कर भी क्या सकता है तुम जानते हो मेरी ताकत तो जस्ट रिलैक्स तुम अपनी जगह पर जाओ और बैठो जैक मैक्स कुछ समझा रहा था पर कहते हैं ना अगर घमंड इंसान के अंदर आ जाए तो इंसान पागल सा हो जाता है उसकी आँखों पर एक अंधेरा छा जाता है एक पट्टी उसके आँखों पर बांधी जाती है जिससे उसे सब कुछ अपना अपना लगता है जैसे कि उससे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है तो ऐसा ही कुछ मैक्स के साथ हो रहा था उसे सिर्फ यही लग रहा था कि सामने वाला शख्स उसके मुकाबले कुछ नहीं है वही वह शख्स मैक्स को अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रहा है उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी वह अपने जैकेट को निकाल देता है साथ ही साथ टीशर्ट शर्ट को जिस से उसकी मस्क्यूलर बॉडी साफ साफ दिख रही है उस शख्स को देखकर एक पल के लिए तो मैक्स भी सोच में पड़ गया पर उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था इसकी वजह से उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैक्स उस शख्स को देखकर मुस्कुराते हुए लिसन ब्रो अगर कोई हड्डी वगैरह टूट गई तो इसके जिम्मेदारी में बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ इस पर वह शख्स सिर्फ मुस्कुरा देता है उसकी मुस्कुराहट को देखकर मैक्स चेहरे पर गुस्सा देखने लगता है क्योंकि जहां उसके अपोनेंट डरते हैं वही यह शख्स सिर्फ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था जिससे मैक्स को बहुत गुस्सा आ रहा था देखते देखते मैच शुरू हो जाती है मैच जैसे ही शुरू होती है तो मैक्स गुस्से में उस शख्स की तरफ बढ़ जाता है वह बिना देर किए उस शख्स को मारने लगता है जैसे कि उसकी मुंह पर जैसे कि उसकी कमर पर हर तरफ मार रहा था पर वह शख्स सिर्फ उसके सारे हम को डॉज कर रहा था जिससे मैक्स तो पागल होता जा रहा था वह जितनी बार मार रहा था उतनी बार उसे कम ही लग रहा था वह एक मुक्का मारता है जिससे वह नीचे गिर जाता है इसी का ही फायदा उठाकर वह उसके ऊपर पीछे से वार कर देता है तभी वह शख्स जोर से उसके मुंह पर मार देता है वही यह सब इतनी जल्दी हुआ कर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जो शख्स सिर्फ मार खा रहा था वह अचानक से कैसे मैक्स को मार रहे हैं ये सबको हैरान कर रहा था तभी एक शख्स जो उन दोनों की मैच देख रहा है वह दूसरे के कान में तुमने देखा है इस शख्स के गले किंग कोबरा का टैटू है तुम जानते हो ना इस टैटू का मतलब दूसरा शख्स अपनी धीमी आवाज में यहाँ पर मौजूद हर किसी को पता है ये शख्स कौन है पर कोई कुछ भी नहीं कह रहा है इसके बारे में ये लड़के शायद नए हैं जिसकी वजह से इन्हें पता नहीं है इन्होंने किससे पंगा लिया है अब ये तो ज़िंदा नहीं बचेगा क्योंकि साथ से इसने इसे गुस्सा दिलाया है तुम देख रहे हो इसकी ग्रीन आइज लाल हो रही है वही जेफ़ जो बॉक्सिंग रिंग की तरफ देख रहा था वह कह रही सांस लेकर खुद से ही शुरू हो गया इसका मौत का खेल क्या जरूरत थी पीछे से वार करने की अब तो पागल को गुस्सा इस बेवकूफ़ दिया है अब पता नहीं इस लड़के के साथ ही पागल क्या करेगा कहते कहते जेफ मैक्स के दोस्त जैक को देख रहा था जो बॉक्सिंग रिंग की तरफ़ जा रहा था कि तभी जेफ़ अपने आदमी हो से जैक को पकड़ने का इशारा कर देते हैं जैस से वह आदमी उसे पकड़ लेते हैं जेफ़ जैक के पास आकर उसे समझाते हुए देखो वह तो बच नहीं सकता अब शांति से यही खड़े रहो और वैसे भी तुम यहाँ के नियम जानते हो यहाँ पर एक बार अगर मैच स्टार्ट हो गई तो उसके बाद किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है और यह ख़त्म तब होगी जब इनमें से कोई उठने के लायक नहीं होता है यहाँ पर जो आता है उसकी वापस जाने की गारंटी नहीं होती है इस पर जैक के आंखों से आंसू आने लगते हैं उसे बहुत डर लग रहा था वह मैक्स के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पता था कि जेफ जो बोल रहा है वह सही है फिर भी वह जेफ को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था तो जेफ अपने दोनों हाथ उसके सामने करके इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी सामने जो है वह पागल है और इसे पागल को कोई संभाल नहीं कर सकता कहते हुए जेफ वहां से चला जाता है वही जैक अपने दोस्त को मार खाते हुए देख रहा है वही बॉक्सिंग रिंग में मैक्स को वह शख्स बेरहमी से मार रहा था वह उसके सीने पर अपने किक की बरसात करते हुए गुस्से भरी आवाज में मैंने कहा था मुझे गुस्सा मत दिला पीछ पीछे वार करने वालों को मैं मौत से भी बदतर सजा देता हूँ कहते हुए वह शख्स उसे बहुत बेरहमी से मारा था वह उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके पीठ पर अपनी एक पैर को रखकर उसे खींचकर उन दोनों हाथों को पीछे की ओर करके उन दोनों हाथों की हड्डियां तोड़ देता है जिससे मैक्स डर से चिल्लाने लगता है पर वह शख्स के पास दिल ही नहीं था वह तो पागल हो चुका था जहां मैक्स की चीखे सबको डरा रही थी वही वह चीखे उस शख्स को सुकून दे रही थी उस जोर जोर से हंस रहा था उसने उसकी सारी हड्डियों को तोड़ दिया था लास्ट में वह उसकी गर्दन को पकड़कर पूरी तरह से घुमा देता है जिससे मैक्स वहीं पर ही मर जाता है उसके मुंह के अंदर से खून आने लगता है वही जैक अपने दोस्त को देखकर वहीं पर ही बैठ जाता है उसने सोचा नहीं था कि कभी यह भी दिन उसे देखने को मिलेगा वह बस शांत आंखों से अपने दोस्त को देख रहा था वह उनके मन में दोनों की यादों में चला जाता है जहां पर उन दोनों ने कभी भी एक दूसरे का साथ और कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाने वाला वादा किया था वही जेफ़ जैक को देख रहा था ना जाने क्यों उसकी आंखों से हल्का सा आंसू आ जाता है जिन्हें वह जल्दी से पहुँच लेता है वही जेफ बिना उस शख्स की नजरों में आए ऐसा लग रहा था कि जैक को देखकर उसे कुछ याद आया है जिसकी वजह से वह अपनी नजरें फेर लेता है वही वह शख्स बड़े आराम से जेफ की तरफ आ रहा है जिसे महसूस करके वह अपनी सर नीचे कर लेता है तब वह शख्स अपना हाथ आगे करता है तो उसके जेफ हाथों में उसका टी शर्ट और जैकेट देता है वह शख़्स जैकेट पहनते हुए जेफ सर नीचे देखकर अपनी गर्दन टैडी करके बड़ी मासूम आवाज़ निकालकर जेफ क्या तुम्हें बुरा लग रहा है पर इसमें मेरी क्या गलती है मैंने उससे पहले ही कहा था मुझे गुस्सा मत दिला और उसने सुना नहीं और देखो क्या कर दिया अब तुम बताओ इसमें मेरी गलती है जेफ़ उसे हा तो बिल्कुल नहीं था कह सकता था अगर उसने बोल दिया तो एक नई मुसीबत में वह खुद चला जाएगा वजह से वह ना चाहते हुए भी अपना सर नामे हिलाते हुए नहीं बॉस अब जो भी करते हैं वह सही ही तो करते हैं यह मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है इस पर वह शख़्स मुस्कुरा देता है वह जैक देखते हुए अपने पॉकेट से कुछ पैसे को निकाल कर के हाथों में रखकर एक गहरी सांस जैक की तरफ इशारा कर आखिर उसने अपना दोस्त जो खोया है मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए जाओ उसके पास और यह पैसे उसे देकर जाओ साथ ही उससे पूछ लो उसे कुछ पैसों की मदद चाहिए क्या और साथ ही साथ ये पैसे भी दे दो मैं दिल से बुरा नहीं हूँ तुम्हें पता है ना जेफ जेफ बचपन पैसों को अपने हाथों में लिए अपना सर झुका लेता है तो वह शख्स वहाँ से चला जाता है तो जेफ पैसों को अपनी मुट्ठी में भरकर गुस्सा है उस शख्स को जाते हुए देखता है फिर एक गहरी सांस लेकर जैक की तरफ बढ़ जाता है जो अपने दोस्त को अपने सीने से लगाए रोए जा रहा है जेफ मैक्स की डेड बॉडी को देखकर एक गहरी सांस लेता है फिर जैक की तरफ देखकर अपनी शांत आवाज में ये कुछ पैसे हैं अपने पास रख लो और जितना हो सके उतना इस। जगह से दूर हो जाओ और जो हुआ है उसे भूल जाओ यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कहते हुए जेफ बिना जैक की बात सुने वहां से चला जाता है वही पीछे से जैक पैसों को देख वह इस जमीन पर फेंक देता है और मैक्स की बॉडी अपने कंधे पर डालकर वहां से ले जाता है वही सुबह का वक्त आयलैंड धूप की रोशनी जैसे ही दुआ के चेहरे पर आने लगते हैं तो वह कसमसा कर अपनी चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है पर जब यह महसूस करती है कि कोई उसकी टी शर्ट को पर करके उसके पेट को लिख करा है तो अपनी नींद भरी आँखों से अपना चेहरा नीचे करके देखती है तो उसकी नींद भरी आंखें पहले बड़ी होती है फिर छोटी होती हैं वह गुरु के बालों को पकड़ कर आप सुबह सुबह ये सब क्या कर रहे हैं मुझे बहुत नींद आ रही है गुरु दुआ को जगा हुआ देखकर उसके ऊपर आ जाता है वह अपने प्यार भरी नज़रों से दुआ को देखता है गुरु दुआ के लोअर लिप को लिकिंग करते हुए उसके कान में मदहोशी से चेरी हनीमून में कोई भी आराम से नहीं सोता है बल्कि दुआ अपनी आंखें छोटी करके बड़ी मासूमियत से बल्कि क्या गुरु दुआ के गर्दन में अपना चेहरा डाले वहां पर टिकल करते हुए बल्कि हमें तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें पूरी रात भी सोने नहीं देना चाहता हूँ पर तुम इतनी कमज़ोर हो कि मुझे हैंडल ही नहीं कर पाती हूँ गुरु की बेशर्मी भरी बातें सुनकर दुआ अपनी आंखें बड़े बड़े करके गुरु के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे खुद से अलग करते हुए आप ये क्या कर रहे हो मुझे टिकल हो रहा है और वैसे भी आप मुझे अच्छे से सोने भी नहीं देते हो दुआ की बात पर गुरु अपनी गर्दन टेढ़ी करके बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर पर मैंने क्या किया चरी तुम्हारे साथ इस पर दुआ गुरु के दोनों गालों को पकड़कर उसे पिंच करते हुए आप पर ना यह मासूमियत बिल्कुल भी सूट नहीं करती तो आप मेरे सामने मासूम बनने की एक्टिव मत कीजिए मुझे पता है आप कैसे हो गुरु दुआ के बालों से खेलते हुए मैं कैसा हूँ मुझे तो पता ही नहीं इस पर दुआ गुरु की आंखों की तरफ इशारा करते हुए आपकी आंखें जो ना सबको डराती है गुरु दुआ को अपने ऊपर करके उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक करके उसकी नीली आंखों में देखते हुए उसके बालों को उसके कान के पीछे करके और तुम्हें क्या तुम्हें इन आँखों से डर नहीं लगता है पर दुआ गुरु के गाल को से लाते हुए उसके नजदीक जाकर उसके होठों पर अपने होठों को छूकर बड़े प्यार से पहले पहले लगता था पर इन आँखों की आदत सी होने लगी मुझे और वैसे भी मुझे पता है आप मुझे कुछ भी नहीं करेंगे बल्कि आप तो मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं प्यार शब्द सुनकर गुरु कुछ सोचने लगता है वह गहरी सांस लेकर उसके गालों पर अपने गालों से रब करते हुए अपनी शांत आवाज़ में पता नहीं बस इतना पता है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु की दुआ हो जिससे कभी गुरु खुद से अलग नहीं करेगा सच में गुरु दुआ से प्यार नहीं करता है सो so, अभी कहानी जारी रहेगी सो डोंट फर्गेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ़ एन स्टोरी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए राधे राधे